हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं ये होंडा की अमेज है, 2019 का मॉडल है। तो इसका एवापोरेटर कॉइल लीकेज हो चुका है, इस वजह से मैं इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहा हूं। तो डैशबोर्ड खोलने के लिए क्या क्या खोलना पड़ता है वो मैं सब आपको लाइव दिखाऊंगा। और इससे पहले मैं और होंडा एक अमेज की डैशबोर्ड खोल चुका हूँ, जो कि 2018 का मॉडल है। ये भी पेट्रोल कार है, वो भी पेट्रोल कार है। और तो चलो फिर मैं इसका डैशबोर्ड खोलने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 2019 का मॉडल है, इससे पहले मैं 2018 का डैशबोर्ड खोल चुका हूं। और उसका वो वीडियो देखना है आपको तो ये वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा। तो चलो फिर मैं इसका डैशबोर्ड खोलने के लिए स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले बैटरी की वायर निकाल देता हूं, आगे कंसोल बॉक्स वगैरह खोलना स्टार्ट करता हूं। चलो फिर मैं अपना काम स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मैं इधर का स्क्रू खोल दिया हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं ये हिल रहा है अपना। तो ये निकालने के लिए पहले सबसे पहले ये वाला निकालना पड़ेगा आपको, ये जो देख पा रहे हैं। तो उससे निकालने के बाद पहले सबसे पहले ये निकलेगा, जैसा ये खींचेंगे आप ये निकल जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं ये निकल गया, उसके साइड में ले लेते हैं। और यहाँ एक स्क्रू है, ये वाला स्क्रू खोलेंगे आप तो ये इजिली पूरा बाहर आ जाएगा। तो चलो फिर इसमें दो सॉकेट रहेगा, एक पावर आउटलेट का और ये डाटा केबल का, दोनों सॉकेट निकाल के फिर मैं आगे आपको इसको बाहर लेकर के दिखाता हूँ। तो चलो फिर मैं बाहर लेता हूँ इसको। वहाँ तीन सॉकेट रहती है, तीनों सॉकेट मैं निकाल चुका हूँ और ये इजीली आप खींचेंगे इसको। इधर गियर लग रहा है, अभी तो आएगा नहीं, शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि ऑटोमेटिक है। ऐसे भी कैसे भी निकालना पड़ेगा इसको अभी। निकल गया और उसके बाद ये रही एबीएस की सॉकेट, एबीएस मॉड्यूल की सॉकेट। ये सब मैं खोलता हूँ, फिर धीरे धीरे सब खोलता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो चलो फिर मैं खोलने के लिए स्टार्ट करता हूँ। ये देख पा रहे हैं मैं गियर बॉक्स खोल दिया हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं ये रही गियर बॉक्स, खोल के पलटी मार चुका हूँ और ये सब सॉकेट मेरे को निकालना पड़ा। देख पा रहे हैं ये सब सॉकेट निकालना पड़ा है मेरे को। तो चलो फिर मैं आगे आपको स्टेयरिंग कॉलम, ये पैनल वगैरह सब खोल के आगे फिर दिखाता हूँ। तो चलो फिर। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली मैं डैशबोर्ड पूरा खोल चुका हूँ। तो मैं बता देता हूँ क्या क्या खोला हूँ। सबसे पहले ये वाली साइड का पैनल और यहाँ की एक सॉकेट रहती है, ये वाला खोला हूँ। उसके बाद ये रही एक यहाँ 12 नंबर रहता है और एक यहाँ रहता है, दोनों खोल के बाहर ले लिया हूँ। ये सारी सॉकेट है जो देख रहे हैं आप, देख पा रहे हैं ये सब सॉकेट खोला हूँ। ये वाली सॉकेट खोला हूँ, ये सॉकेट खोला हूँ। उसके बाद ये वाला पावर विंडो का सॉकेट जो है आप बाहर से खोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाहर से खोलने में इजी पड़ता है, इस वजह से मैं बाहर से खोला हूँ इसको। उसके बाद स्टीयरिंग कॉलम को खोल के ऊपर ले लिया हूँ, क्योंकि ये हाइड्रोलिक वाला रहता है, जैसा कि देख पा रहे हैं। इसको खोल के ये कर लिया हूँ, ऊपर ले लिया हूँ, यहाँ का 10 नंबर खोल लिया हूँ। उसके बाद मैं उस साइड आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ यहाँ से ये वाली सॉकेट खोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो सॉकेट है डैशबोर्ड के साथ है और क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट बाद में निकलेगा, तो इसकी वजह से ये वाला खोल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ की ये सब सॉकेट खोलना पड़ेगा आपको, एक सॉकेट यहाँ की रहेगी और बाकी ये सब सॉकेट, एक पावर विंडो का बाहर गया रहेगा तो पावर विंडो का सॉकेट बाहर करके खोलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद ये रही 12 नंबर यहाँ का खोल चुका हूँ, ये पैनल साइड खोल दिया हूँ, बाकी सब अंदर से मेरा सब कुछ खुल चुका है। बाहर दिखा देता हूँ बाहर मैं क्या क्या खोला हूँ। तो चलो फिर मैं बाहर आपको लेके जाता हूँ, बाहर दिखा देता हूँ क्या खोला हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं मैं कॉल पैनल खोल चुका हूँ और ये रही 12 नंबर यहाँ का, जैसा कि देख पा रहे हैं आप ये वाली, सॉरी 10 नंबर दिया है यहाँ, 10 नंबर नट बोल्ट रहता है, ये खोल दिया हूँ। देख पा रहे हैं ये वाला, तो कॉल पैनल वगैरह मैं सब खोल दिया हूँ, वाइपर वगैरह जो भी खोलने का था सब खोल दिया हूँ। और उसके बाद हीटर का पाइप खोलना पड़ेगा, ये बाद में खोलना पड़ेगा, और एक्सटेंशन वाल, और एक 12 नंबर दिया है जो कि यहाँ दिया है कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट में दिया हुआ रहता है बाहर से, तो ये सब खोल के मैं फिर आगे आपको दिखाता हूँ जब तक। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे फाइनली डैशबोर्ड मेरा बाहर से भी खुल गया, मैंने जैसा कि आपको दिखाया। तो चलो फिर मैं इसको पलटी मार देता हूँ, पलटी मार के आगे आपको दिखाता हूँ। इसमें एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, इसमें सेल्फ स्टार्ट का है, बाकी इससे पहले जो गाड़ी मैं खोला हूँ उसमें चाबी वाली गाड़ी थी, जो कि चाबी लगने के बाद ही गाड़ी स्टार्ट होती थी, इसमें सेल्फ वाला था। तो चलो फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ पलटी मार के।
जैसा कि देख पा रहे डैशबोर्ड खुल चुकी है अपना, पलटी मार दिया हूँ। अब मेरा रे कंट्रोल यूनिट निकालना, तो इसमें 12 नंबर रहता है, एक बाहर से दिया हुआ रहता है, बाकी सब अंदर से ही दिया हुआ है। तो चलो फिर मैं खोल लेता हूँ, एक्सपेंशन वाल खोला नहीं हूँ, वो सब खोल के हीटर पाइप वगैरह खोल के सब बाहर निकाल के ही मैं आपको आगे दिखाऊंगा। चलो फिर लग जाते हैं खोलने के लिए। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे सब बोल्ट खोल दिया हूँ, अब मेरा इजीली बाहर आ जाएगा। जैसा कि देख पा रहे बाहर आ चुका, तो चलो फिर मैं इसको फाइनली बाहर लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे मैं फाइनली बाहर ले लिया हूँ इसको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बाहर ले चुका हूँ पूरा कंट्रोल यूनिट। तो चलो फिर मैं इसका कूलिंग कॉइल खोलता हूँ। कूलिंग कॉइल खोलने से पहले सबसे पहले मेरे को हीटर कॉइल खोलना पड़ेगा, ये वाला हीटर कॉइल खोलने के बाद ही कूलिंग कॉइल निकलेगा। तो चलो फिर मैं खोलना स्टार्ट करता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं ये कूलिंग कॉइल वाला पोर्शन खुल गया, ये रही इसका हीटर कॉइल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सब खोलना पड़ा मेरे को। तो कूलिंग कॉइल खोलने के लिए और भी ये वाला ट्रे जो है ना, ये खोलना पड़ेगा आपको, ये खोलने के बाद ही कूलिंग कॉइल निकलेगा। तो चलो खोलता हूँ, कूलिंग कॉइल बाहर लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। आगे देख पा रहे हैं ये लॉक रहता है, इसमें एक लॉक यहाँ रहता है और एक लॉक यहाँ रहता है, तो इसको ऊपर खींचेंगे तो इजीली निकल जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कूलिंग कॉइल बाहर आ चुका, ये रही इसका कूलिंग कॉइल, यहाँ से लीकेज हुआ था हुआ है। तो नया वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि देख पा रहे ये वाला नया 3500 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो चलो फिर नया वाला मैं आपको फिटिंग करके आगे दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं नया वाला कूलिंग कॉइल फिट हो चुका है, इवेपोरेटर कॉइल। तो चलो फिर मैं अंदर सब पूरा प्रॉपर तरीके से फिट कर देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ जिन वाली यहाँ है, फिटिंग करके आगे दिखा दूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे फाइनली पूरा फिट हो चुका है, पलटी मार के दिखा देता हूँ आपको ज़रा। और इसका वायरिंग जो है मोटर की जो भी जितनी भी वायरिंग है ये सब साथ में ही आया था, लोड की और ये सब फ्लैप मोटर की तीनों मोटर की सब कुछ साथ में आया था, प्रॉपर फिट हो चुका। तो चलो फिर मैं अंदर आपको फिटिंग करके आगे दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे कंट्रोल यूनिट में बैठा चुका हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पर अब डैशबोर्ड पलटी मार के फिर मैं इसमें बैठा करके आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, फाइनली जैसा कि देख पा रहे डैशबोर्ड में डाल चुका हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलो फिर मैं सब एक एक फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो चलो फिर फिटिंग करने के लिए रख जाता हूँ मैं। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली गाड़ी फिट हो चुकी है पूरी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो जो मैंने खोला था सब फिट कर दिया हूँ, देख पा रहे हैं सब फिट हो चुकी है। और बाहर मेरा सिर्फ कॉल पैनल लगाना बाकी रह गया, तो चलो फिर मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, उसको फिटिंग करने के बाद फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कॉल पैनल भी फिट हो चुका है, फिटिंग नहीं हुआ है, 12-10 नंबर लग चुका है, हीटर का पाइप एक्सपेंशन वाल सब लग चुका है। तो चलो फाइनली मैं ये सब फिटिंग करके फिर आगे गैस चार्जिंग वगैरह करके फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हाई लो लगा चुका हूँ मैं, और इसको वैक्यूम में लगा देता हूँ। दस मिनट बाद फिर मिलते हैं आपको। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे वैक्यूम अपना कंप्लीट होने को जा रहा है, कंप्लीट हो चुका, अब मैं इसको गैस चार्जिंग में ले लेता हूँ। 450 ग्राम गैस मार दे रहा हूँ, जैसा कि देख पा रहे हैं गैस फिल हो चुका। तो चलो मैं आपको गाड़ी के अंदर गाड़ी चालू करके फिर। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे फाइनली गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ और गाड़ी चालू पोजिशन में है, जैसा कि देख पा रहे हैं गाड़ी ऑन है और आउटसाइड टेम्परेचर देख रहे हैं 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। एसी चालू रखा हूँ, जैसा कि देख पा रहे डिस्प्ले में एसी बता रहा है ऑन, और कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए 5.5 पे आ चुका है। मैं थर्मामीटर चेंज कर चुका हूँ, इस वजह से अलग थर्मामीटर दिख रहा है आपको। तो सब बराबर चल रहा है, लोड की स्पीड भी प्रॉपर चल रहा है। उसके बाद मोड बटन भी प्रॉपर चल रहा है, रियर डिफोगर भी प्रॉपर चल रहा है, फ्रंट डिफोगर भी प्रॉपर चल रहा है, आउटसाइड एयर भी प्रॉपर चल रहा है, ऑन ऑफ भी प्रॉपर चल रहा है, ऑटो का स्विच भी प्रॉपर चल रहा है, एसी ऑन ऑफ स्विच भी प्रॉपर चल रहा है। तो चलो जब तक मैं इसका हीटर हाई कर रहा हूँ, हीटिंग टेम्परेचर भी आपको दिखा देता हूँ कि हीटर चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मोड बटन चेंज हो गया, सामने रख लेता हूँ हवा, ब्लोअर की स्पीड बढ़ा दिया मैंने थोड़ा, क्योंकि हीटर चालू करेंगे तो ब्लोअर की स्पीड कम होता ही है,
एसी ऑन रखा हूँ और हीटिंग टेम्परेचर आप देख रही है, देख रहे हैं हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है। एसी ऑन पे भी भरना चाहिए, आपकी भी गाड़ी हो कोई भी, तो एसी ऑन पे ही हीटर अगर चेक करना चाहते हैं तो एसी ऑन करके ही चेक करें, तभी हीटिंग अगर टेम्परेचर आ रहा है तो हीटर कॉइल आपका सही है। अगर हीटिंग टेम्परेचर नहीं आ रहा है तो हीटर कॉइल में कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो जैसा कि देख पा रहे 45 पे आ चुका है। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया सब, ये खोल के इसका सब फिटिंग करके हीटर कूलिंग कॉइल रिप्लेस करके मैंने आपको दिखाया, जैसा कि इसका डैशबोर्ड भी खोल के दिखाया, सब कुछ करके दिखाया। तो आप मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। और इससे पहले मैंने एक अमेज 2018 मॉडल का पेट्रोल कार का वीडियो बना चुका हूँ, तो उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, चाहे आपकी 18 या 19 का कोई दो में से एक मॉडल की गाड़ी तो होगी आपके पास, तो उस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं 2018 वाली मॉडल की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।